जन्म ना जायते शूद्र, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। फिर कर्मणा द्विजो उच्यते, फिर कर्म करने से वो आगे बढ़ता है। जो सिर्फ आदतों में जीता है वो शूद्र है। फिर व्यक्ति जाके देखता है मेरे को इस आदत से क्या नुकसान, इस आदत से क्या लाभ है, ये सोचता है तो वो हुआ वैश्य। और वही व्यक्ति आगे उसकी चेतना बढ़े और बोले सबको लाभ कैसा मिले, हम सबको कैसे रक्षा कर सके, फिर वो हुआ क्षत्र। क्षत्र ये सोचता मुझको भी मिले ताकि मैं औरों को भी दे सकूं, औरों को भी रक्षा करूं और मैं भी भद्र रहूं, ये हुआ। और ब्राह्मण वो है जो सोचता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सबके लिए मैं हूँ, मेरे जिंदगी का कण कण सबके लिए हो जाए, सबकी सेवा में मैं हाजिर हूँ, जिसको जो चाहिए उसके लिए मैं 24 घंटे अपना बूंद बूंद देने के लिए तैयार हूँ, ये ब्राह्मण। इस चेतना को अलग अलग वर्ण के रूप से बताया।